एक्चुएटर मॉडल 001 कल की, इसके अंदर अभी दो आर्मेचर कॉइल लगाया गया है जिससे अभी मोटर के अंदर लोड ज़्यादा बढ़ेगा। देखते हैं इसका भी रिपोर्ट निकाल के क्या रिजल्ट आता है। और यह हाथ से घुमाने में अभी भी फ्री है लोड ज़्यादा बढ़ने से, देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कि नहीं। हाथ से घुमा के भी इलेक्ट्रिसिटी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। अडॉप्टर का इनपुट है 0.27। अभी मोटर चालू कर दीजिए। जैसा जैसा मोटर का आरपीएम बढ़ेगा वाटेज कम होते जाएगा। सेवन पॉइंट ट्वेंटी तक जा रहा है, 7.21। एक कॉइल के साथ 6.11 था, अभी एक आर्मेचर कॉइल बढ़ाने से 7.21 हो गया। अभी मोटर वाटेज विद बल्ब के साथ हम चेक करेंगे। टेन पॉइंट थर्टी तक जा रहा है। 10.30 यहाँ पे वन कॉइल में मोटर वाटेज विद बल्ब 8.15 था, अभी यहाँ पे 10.30। यहाँ पे अभी लाइट भी ज्यादा आ रहा है, वोल्टेज ज्यादा बन रहा है। अभी मोटर वाटेज विद लूज शॉर्ट सर्किटिंग में 6.19 था, अभी इसमें देखेंगे डबल कॉइल के साथ शॉर्ट सर्किटिंग करेंगे। लूज मतलब एज अ ढीला शॉर्ट सर्किटिंग। इस तरह का शॉर्ट सर्किटिंग, लूज शॉर्ट सर्किटिंग जो है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में यूज होता है। यहाँ पे अभी बता रहा है 7.22 तक बता रहा है। 7.22 अभी मोटर वाट विथ टाइट शॉर्ट सर्किटिंग में 6.05 है। अभी यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किटिंग टाइट करेंगे, यानी कि प्लस माइनस को मिला देंगे। जो स्पॉट वेल्डिंग में यूज होता है उसमें प्लस माइनस को पूरा मिला के ये किया जाता है। देखते हैं अभी कितना आता है। 7.16 तक आ रहा है। 7.15 से लेके 17 तक जा रहा है। 7.17 अब जो 7.17 का मोटर का इनपुट है उससे ज्यादा आउटपुट जो है शॉर्ट सर्किटिंग के लिए यूज हो रहा है। अब ये वायर फुल शॉर्ट सर्किटिंग है, प्लस माइनस को किया है, और ये जो आउटपुट है ये इनपुट से ज्यादा है। जितना इसके अंदर इनपुट है उससे ज्यादा शॉर्ट सर्किटिंग में यूज हो रहा है।
तो ये मार्केट में अभी हम इसको वायर निकाल के शॉर्ट सर्किटिंग करेंगे, कितना देर तक चलता है देखेंगे। इसके अंदर मोटर में फ्रिक्शन नहीं पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से एकदम फ्री रोटेशन करता है। और ये मैन्युफैक्चरिंग में अल्टरनेटर से काफी सस्ता पड़ता है, 50% तक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम।